नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबने कीबोर्ड्स तो कई देखे होंगे, जैसे कि सिंपल कीबोर्ड्स और फ्लेक्सिबल कीबोर्ड्स और कई कीबोर्ड्स देखे होंगे, और आपने लेज़र कीबोर्ड के बारे में सुना होगा, देखा होगा या फिर उसे यूज़ भी किया होगा। तो लेज़र कीबोर्ड कैसे वर्क करता है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि लेज़र कीबोर्ड कैसे वर्क करता है। तो बस जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो एंड तक। तो लेज़र कीबोर्ड एक छोटा सा डिवाइस है जिसे आप अपने पीसी से या फिर लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी केबल के थ्रू या फिर ब्लूटूथ कनेक्शंस के थ्रू। इस डिवाइस में रेड लेज़र लाइट लगा होता है। आपने लेज़र लाइट तो देखे होंगे, बचपन में खेले होंगे। हम उस लेज़र लाइट को दीवार पर प्रोजेक्ट करते थे और एक रेड कलर का पॉइंट दिखता था, और उसका लेंस चेंज करने से हम डिफरेंट डिज़ाइन भी देख सकते थे। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है। इस डिवाइस में डिफ्रेक्टिव ऑप्टिकल एलिमेंट यूज़ किया है। इस एलिमेंट पर एक कीबोर्ड की लेआउट बनी होती है जो कि लेज़र लाइट को एक्सपांड करती है और सरफेस पे कीबोर्ड को प्रोजेक्ट करती है। उस डिवाइस के बॉटम में नीचे इंफ्रारेड लाइट इमिटर लगा होता है जो कि इंफ्रारेड लाइट की पतली लेयर को जनरेट करता है, और ये लेयर सरफेस से कुछ ही mm ऊपर होती है। जब आप किसी बटन को प्रेस करते हैं या फिर अपनी उंगली उस बटन पर रखते हैं, जैसे कि मैं पी लेटर पे अपनी उंगली रखता हूँ, उसको प्रेस करता हूँ, तो इंफ्रारेड लाइट मेरी उंगली से रिफ्लेक्ट होगी और सीमॉस बेस सेंसर उस रिफ्लेक्ट हुई इंफ्रारेड लाइट को सेंस करेगा और ये डिटेक्ट करेगा कि आपकी उंगली कितने दूरी पर है, और उस हिसाब से आपकी उंगली की पोजीशन पता कर लेगा और मॉनिटर पर पी शो करेगा। आप जो भी टाइप करेंगे वो मॉनिटर पर शो करेगा। आप लेज़र कीबोर्ड में मल्टीपल की भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस पी, आप उसको साइमल्टेनियसली प्रेस कर सकते हैं, और जब भी आप कोई बटन प्रेस करेंगे तो एक बीप साउंड आपको सुनाई देगा। लेज़र कीबोर्ड उतना एक्यूरेटली वर्क नहीं करता है, लेकिन ठीक ठाक है। अगर आप फास्ट टाइपिंग करोगे तो आपको उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।